नमस्कार, स्वागत है ड्रग्स की लत की पहली एपिसोड में। लत ना सिर्फ शरीर को प्रभावित करती है बल्कि ये एक व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य और समाज को भी प्रभावित करती है। इनमें से एक लत है ड्रग्स कंजम्पशन, जो आज लाखों को प्रभावित कर रहे हैं। और इस कंजम्पशन में एक छोटे से बच्चे से लेकर एक सरकारी नौकरी करने वाले तक परे हुए हैं। और यही लत के कारण आज हमारे समाज में ढेर सारे युवा भटक गए हैं, जिससे कि हमारे आने वाले पीढ़ी और हमारे समाज को बहुत ही प्रभावित कर सकते हैं। ड्रग्स कई प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ ड्रग्स लीगल है और कुछ ड्रग्स इलीगल, और कुछ ड्रग्स ट्रेडिशनली यहाँ पे उगाए जाते हैं जैसे कि खानी, और कुछ ड्रग्स बाहर से यहाँ पे आते हैं। और यदि हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश ड्रग्स के मामले में काफ़ी आगे है और ढेर सारे राज्यों को पीछे छोड़ दिए है। और मेरे हाथ में है 2019 के भारत के ड्रग्स के डाटा के सर्वे, जिसमें हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश अल्कोहल के मामले में 4 नंबर में आते हैं, कैनबिस में भी 4, ओपियोइड्स में 2, सेडेटिव में 5, कोकेन में 1, स्टिमुलेंट में 3, इनहेलेंट में 1 नंबर में आते हैं। जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश ड्रग्स के मामले में काफ़ी आगे है दूसरे राज्य से भी, और ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे राज्य के लिए। जब मैंने ये स्टोरी कवर नहीं की थी तब मुझे ड्रग्स के बारे में इतना पता नहीं था, मगर इस स्टोरी को कवर करके मैंने ड्रग्स से जुड़े ढेर सारे ऑफिसर्स, पुलिस, एडवोकेट, ऑर्गेनाइजेशन आदि से बात किए। और मैंने एक ऐसे व्यक्ति से भी बात की जो पहले ड्रग्स लेते थे मगर अब वो रिहैबिलिटेट हो गए हैं। यदि आपको भी ड्रग्स के बारे में और गहराई से जानना है तो आज हम APN Live 24 आपके लिए लाए हैं ड्रग्स के पहली एपिसोड, जिसमें हम डॉक्टर रीना से मिलेंगे और उनसे हम ड्रग्स के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ड्रग्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, हमारे राज्य में ड्रग्स किस तरह से सप्लाई की जाती है, और रिहैबिलिटेशन सेंटर आदि। ड्रग्स के बारे में बात करते करते अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रिकेन रीना, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है स्टेट एड कंट्रोल सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश का, कम SPO ड्रग्स डी एडिक्शन प्रोग्राम। तो सर, मैं आपको बहुत 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 स्वागत करती हूँ हमारे चैनल APN Live 24 में। और आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ड्रग्स कितने प्रकार के होते हैं और इसके सब्सटेंसेस के बारे में आप हमें बताइए। हाँ मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके पहले हम ये बता दूँ कि इसमें ड्रग एडिक्शन, आदमी तो कहते हैं ड्रग एडिक्ट क्या है। यूजुअली ड्रग एडिक्शन कुछ ये नहीं, इससे क्रॉनिक ब्रेन डिजीज एक बीमार है जो आदमी इलीगली और ड्रग को लेके एब्यूज़ करते हैं, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो, हर तरह का मैनिफेस्टेशन, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम और सोशल प्रॉब्लम हो जाते, उसको बोलते हैं ड्रग एडिक्शन। वो मेंटल बीमार नहीं है, इट्स जस्ट अ डिजीज एंटिटी बिकॉज ऑफ इंजेक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। एंड इसमें तरह तरह के ड्रग्स होते हैं। तो हम देखा जाए तो हमारा अरुणाचल में जो मोस्ट अवेलेबल ड्रग्स है, एल्कोहल इज ऑल्सो ए ड्रग, एल्कोहल है, जिसे हम पहले अरुणाचल का कस्टम्स ट्रेडिशन में एक ऐसा माना जाता कि नॉर्मल बाकी खान पान जैसा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ ड्रग। सेकेंड जो हुआ है ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव, जो खानी हम लोग कहता है कि अरुणाचल में बहुत जगह में खानी का कैट अभी भी करता है, पहले भी करता था। एंड वो खानी से हर तरह का डेरिवेटिव्स, तो उसका ये वाला होता है, उसी से निकल के अलग अलग, जैसा आपका हीरोइन हो गया या मॉर्फिन हो गया, द ब्राउन शुगर जो नंबर पर कहता है, ये सब ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स है। उसके बाद बारबिट्यूरेट्स बोल के ग्रुप है, एंड बेंजोडाइजेपिन ग्रुप सीडेटिव्स है, आदमी जब नींद नहीं आता है तो नींद आने के लिए दवाई टेबलेट खाने वाला या बेजिन लगाने वाला, वो एक ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप ये है कि आपका स्टिमुलेंस, एम्फेटामिन टाइप स्टिमुलेंस, कोई कोई ऐसा देखा जाए कि हाई स्कूल या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में
बच्चा होल साल नहीं पढ़ के लास्ट मोमेंट में नींद आता है, तो नींद नहीं होने के लिए वो पर्टिकुलर टेबलेट को कोई लोग ये आर्डर करता है कि रात भर जगते रहे पढ़ाई करें, तो बाद में उसी से एडिक्शन होने वाला भी होता है, या कोई शुरुआत से ही एम्फेटामिन टाइप स्टिमुलेंट्स वो दवाई को लेते ताकि स्टिमुल उसको बोला मूड एलिवेटर्स। उसके बाद हुआ आपका ये एक कोकेन जो इंडिया में इतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन बाहर कंट्री में कोकेन स्पेशली जो क्लब ड्रग है वो कोकेन एक प्रकार का ड्रग है जो अभी अरुणाचल तक भी पेनिट्रेट हो चुका है। उसके बाद हुआ आपका अभी हर जगह में आप कहीं कहीं जब जाए तो देखता है छोटा बच्चा 10 साल 12 साल का लोग डेंड्राइट इनहेल करके सूंघ के बैठता है, या तो किसी अपना माँ का या दीदी का नेल पॉलिश रिमूवर को सूंघता है, या कोई पेट्रोल पंप में करा हो कि ये अनलीडेड पेट्रोल का जो स्मेल को आनंद लेता है वो सब इनहेलेंस है। तो उसी इनहेलेंस कोई लोग ऐसा है टेबलेट खाने वाला टेबलेट को टेबलेट से जल्दी किक नहीं मिलता है बोल के इंजेक्शन लेने इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स बहुत लोग है, क्योंकि अलग अलग ड्रग को टेबलेट को भी क्रश करके पानी के साथ मिलके इतना अनहाइजीनिक वे में करके इंजेक्ट करते हैं, बाद में जाके वो इमीडिएटली इससे किक मिलता है। तो वो इंजेक्शन के वजह से दोस्त को अगर शेयर करता है तो किसी का एच आई वी हो गया तो या हेपाटाइटिस बी ऐसी हो गया दूसरों फ्रेंड को भी शेयर करते समय ड्रग के साथ साथ वो इंजेक्शन फैल। ऐसे ये 7-8 ड्रग्स अरुणाचल में है, लेकिन बाहर अरुणाचल के बाहर में और बहुत सारा ड्रग्स है, उसका मोर देन 22-23 टाइप्स ऑफ ड्रग्स है, एंड उसमें न्यूअर ड्रग्स भी अभी अरुणाचल में पहुंच गया है। उसका बारे में अगर हम कहना पड़े तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग ड्रग्स का अलग अलग रूट होता है, रूट ऑफ इंजेक्शन, रूट ऑफ एंड द मैनिफेस्टेशन, उसका कैसा उसका साइड इफेक्ट होता है, कैसा उसका बॉडीली एक होता है, और वो इसका कैसा मजा, अलग अलग ये सेंसरी हम लोग इसलिए तो बोलता है ब्रेन डिजीज है, ब्रेन में इफेक्ट होके तरह तरह का ये आपका फर्स्ट तो मज़ा टाइप का ही उसका ये सेटिस्फाइंग होता है, अपने दुनिया को भूल जाते हैं, अलग से दुनिया में रहने जैसा होता है, बाद में जाके वही उसका जिंदगी खराब करता है। तो सर अब हमें अरुणाचल के ड्रग्स के बारे में बताइए, और यहाँ में अरुणाचल में जो ड्रग्स सप्लाई होते हैं जो ट्रेडिशनल वे में होते हैं और जो बाहर से आते हैं ड्रग्स, और अब उसके बारे में बताइए। हाँ मैडम, ये अरुणाचल में एचएस बाकी ड्रग तो यहाँ नहीं बनता है, छोड़ के कि खानी जो रॉ ओपियम जहाँ जहाँ जैसा हमारा बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ओपियम कल्टीवेशन होता है बहुत बड़े पैमाने पे, उसमें कल्टीवेट करके ओपियम को बेचता भी है और खुद भी खाने वाला है, वो ओपियम रॉ ओपियम अवेलेबल होता है, और खेना भी जो गांजा बोलता है उसको भी कोई जगह में खेती करता है, कोई जगह में वाइल्डली ग्रो होता है, उसी को भी बच्चा ड्राई करके उसको ड्राई पत्ता को भी कहीं के साथ सिगरेट या बीड़ी के साथ ये करके खाने वाला है। लेकिन ज़्यादातर अभी देखा गया तो अरुणाचल में बाहर से आने वाला ड्रग्स है, जैसा अरुणाचल में हर जगह में देखा है तो हीरोइन का बहुत ही है हलचल मच रहा है, क्योंकि फ्रॉम अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर तो हमारा एक तो सीधा म्यांमार से हमारा अरुणाचल के परास बॉर्डर से होके अरुणाचल घुसता है, तो ऐसा करके अरुणाचल के अंदर में हीरोइन एंड अदर जो नंबर फोर बोलता है वो भी ओपियम से ही निकलते हैं, वो यहाँ बहुत है। एंड एसपी स्पाजमो प्रोक्सीबोन जो टेबलेट यूजली पेन किलर यूज़ करते हैं उसी को क्रश करके उसको भी इंजेक्ट करना, वो भी बाहर से आ रहा है। एंड काफ सिरप कोई लोग बहुत सारा काफ सिरप उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन किया है, बैन काफ सिरप वो भी अभी भी इलीगली ट्रैफिक होकर अरुणाचल में आते हैं। अनदर रूट है जो हमारा नेबरिंग स्टेट नागालैंड से या आसाम से, आसाम फिर मोर है जो मणिपुर बाउंड्रिंग म्यांमार, उसी से आसाम में आके आसाम में ट्रेंजिट होके अरुणाचल घुसता है। तो ऐसा करके वो जो है म्यांमार का मेन सेंटर जो ड्रग हीरोइन बोले या आपका कोकेन बोले या कोई
काफ सिरप और जो भी हो गोल्डन ट्राइंगल बोल के वो थाईलैंड म्यांमार एंड लाओस ये तीन कंट्री का एक ट्राइंगल जगह है उसी में नोटोरियस गोल्डन इनफेमस गोल्डन ट्राइंगल बोलता है उसी से ज़्यादातर हम लोग का जो मॉडर्न ड्रग है वही से आ रहा है। तो सर आप हमें ड्रग्स के तीन पिलर के बारे में बताइए जैसे कि हम अपने सोसाइटी में ड्रग्स कंजम्पशन को ख़त्म कर सकें या फिर उसको रिड्यूस कर सकें। हाँ मैडम ये जो जो थ्री पिलर्स बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर ड्रग हमारा यहाँ इंडिजिनसली प्रोड्यूस अगर नहीं एक्सेप्ट रॉ कानी तो बाहर कहाँ कैसे आया है तो वो आने वाला इंटरनेशनल बॉर्डर से या इंटर स्टेट बॉर्डर से आया हो उसको अंदर नहीं घुसने के लिए ये है हम सप्लाई को रिड्यूस करना है। सप्लाई रिडक्शन वो फर्स्ट हम लोग का फॉरमोस्ट ड्यूटी होना चाहिए स्पेशली फॉर होम डिपार्टमेंट एंड टैक्स एक्साइज नारकोटिक डिपार्टमेंट क्योंकि उन्हें सीज करना है उन लोग जगह जगह में ये करके चेक करके और पुलिस लोग को पुलिस लोग अरेस्ट करना है जो ड्रग पेडलर ड्रग ट्रैफिकर है ऐसा होने से हम लोग अंदर में घुसने से उन्हें रुक सकता है मेरी ड्रग्स को। अगर ये अंदर घुस गया है तो ये इफेक्ट करेगा हमारे स्पेशली यूथ्स को तो वो डिमांड होगा जहाँ में डिमांड है सप्लाई तो आ रहा है तो वो डिमांड अगर कम होगा सप्लायर तो इतना अंदर तक तो नहीं भेजेगा तो डिमांड रिडक्शन मीन्स रिड्यूसिंग द नेसेसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग्स इन द कम्युनिटी एंड वो हेल्थ डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में ये जो ड्रग यूजर्स लोग हैं उन लोग को डी एडिक्ट करते हैं डी टॉक्सिफिकेट करते हैं एंड रिहेबिलिटेट करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ हार्म रिडक्शन कोई कोई ऐसा है ड्रग्स वो लोग ले लिया डी एडिक्शन भी हो रहा है और कोई लोग का ऐसा है ड्रग लेने के साथ साथ अगर वो इंजेक्ट करता है टैबलेट के जगह में तो इंजेक्शन बार बार तो अपना से हर नीडल सिरिंज को प्रोक्यूर नहीं कर सकते एक्सपेंसिव हो जाता है एंड ड्रग एमोंग फ्रेंड्स चार पांच फ्रेंड या दस बारह फ्रेंड्स अगर सर्कल है और शेयर करने से चीपर होता है तो वो लोग नीडल्स एंड सिरिंज में ड्रग को लेके शेयर करते एक दूसरे को। अगर किसी का HIV इन्फेक्शन है या हेपाटाइटिस बी इन्फेक्शन है या हेपाटाइटिस सी इन्फेक्शन है तो उसी नीडल से ड्रग के साथ साथ ये तीन बीमार को दोष के साथ फिर स्प्रेड होगा उसको रिड्यूस होने के लिए हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट अभी तो हम लोग शुरू नहीं किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट से अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ओपिओइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी बोलता है जो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स है उसे इंजेक्शन से रोकने के लिए ये तीन बीमार जो हमने बताया उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग टैबलेट दे देते हैं। वो टैबलेट जब देगा वो ड्रग को वो इंजेक्टिंग जो ड्रग हीरोइन या को ड्रग को इंजेक्ट किया उसको छोड़ देगा टैबलेट पे आ जाएगा जो टैबलेट से कह के बाद में हम लोग उसी आदमी को हमारे पेशेंट को ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूम ऑफ केयर वहाँ भेज देगा तो वो ड्रग से भी मुक्त मिलेगा ये वाला फ्री हो जाएगा तो हमें इंजेक्शन को रोक के टैबलेट में ले आएगा टैबलेट को फिर डिटॉक्सिफिकेट डी एडिक्ट करके आदमी को ड्रग फ्री आदमी बना देगा तो उसको बोलता है हार्म रिडक्शन। तो ऐसा करके हम लोग ये तीनों फिलर का ये सपोर्ट से ही कम्युनिटी में जो ड्रग प्रॉब्लम है उसको हम लोग सुलझा पाएंगे। तो सर आप हमें ये बताइए कि ड्रग्स किस तरह से फिजिकली मेंटली और सोशली इम्पेक्ट करते हैं। हाँ हम शुरू में बोला था कि ये जो ड्रग एडिक्शन एक ब्रेन डिजीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ड्रग लेते हैं से फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं कोई नींद नहीं आने वाला और डॉक्टर कोई प्रेस्क्राइब कर देते हैं डाइजेफान टेबलेट 5 मिलीग्राम उसको दे दिया तो 5 मिलीग्राम से तो नींद आ रहा है लेकिन बाद में आदत ऐसा हो गया तो 5 मिलीग्राम से नींद नहीं आएगा 7.5 मिलीग्राम लेने लगे उसके बाद फिर 10 मिलीग्राम से भी काम नहीं है 20 मिलीग्राम ऐसा कैसे कहीं उसको बोलता है इनटॉलरेंस। अगर ऐसा करके बाद में एक ऐसा जगह बिना मेडिसिन से सो ही नहीं पाएगा डेट इज़ कॉल्ड ड्रग डिपेंडेंस बन जाता है।
तो ड्रग डिपेंडेंस तो बनेगा और ड्रग अंदर में आएगा सीधा ब्रेन के ऊपर, ड्रग वो सेंसरी न्यूरॉन में टच करेगा एंड फिजिकल मैनिफेस्टेशन हर तरह का बॉडी एक ये जो ले रहा है उस समय तो कंफर्ट जैसा फील होगा, जब उसका साथ ये आपका डाइजेपाम या जो एनी ड्रग जो सब्सटेंस है और बॉडी में नहीं पहुंच रहा है या तो कम मात्रा में है तो मैनिफेस्टेशन और ड्रग एब्सेंस ऑफ ड्रग्स में दुनिया भर का मैनिफेस्टेशन होता है और उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ड्रग में भी तो आपका बॉडी का लुक्सन हो रहा है, दुनिया भर का बॉडी एक होगा, माथा दर्द होगा, आपका कोई लोग का लूज मोशन होता है, कोई कॉन्स्टिपेशन होता है, कोई कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब कम होगा बॉडी में वो मात्रा दवाई नहीं मिले तो भी सिम्ट ये वाला उसका दवाई का इन एब्सेंस ऑफ ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स बोलता है उसका, जब ड्रग ही बॉडी में नहीं पहुँच पा रहा है, ऐसा जाके उसका मेंटल जो ड्रग ज़्यादा ये लेने लगेगा मेंटल इंस्टेबिलिटी होगा, प्रास्ट्रेशन डिप्रेशन टाइप का दुनिया भर अपने आप को हम तो कुछ दुनिया में कुछ काम का नहीं है दुनिया भर का गिल्टी फीलिंग भी आ जाता है, लेकिन उसका एक ही टारगेट रहेगा हम कल ड्रग्स कैसा मिलेगा कब खाने को मिलेगा वही उसका एक टारगेट रहता है और उसका मतलब क्रेविंग फॉर ड्रग। तो ऐसा करके करके बाद में वो फिजिकल मेंटल और सोशली अनएक्सेप्टेबल सोशल एंटी सोशल एक्टिविटीज़ चोरी करना शुरू कर देता है, पेरेंट्स का पैसा शुरुआत माँ बाप का सामान जेवर एवर लेके बेचना शुरू सस्ता में, उसके बाद किसी से छीन लेना बर्गलरी करना, बाद में जाके पैसा छन पैसा के लिए आदमी का इवन जान भी ले लेता कोई लोग, ऐसा करके आपका सोशल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। तो सर हम ड्रग्स लेने वालों की संख्या को किस तरह से हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश में कम कर सकेगा और सर आप हमें रिहेबिलेशन सेंटर के बारे में बताइए। हाँ, ये जो ड्रग का मेन जो सीवियरिटी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल रियलाइज़ किया है उसी हिसाब से फर्स्ट टाइम हम लोग जो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लर्नेड चीफ सेक्रेटरी डीडेन 2017-18 में मीटिंग हुआ दो बार, उसके बाद एक्शन प्लान स्टेट गवर्नमेंट ने सबमिट करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को बोला है, तो सबसेक्वेंटली 2018-19 में अरुणाचल स्टेट कैबिनेट मुख्यमंत्री नशा मुक्ति योजना बोल के जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम अप्रूव किया, उसका ये था कि मुख्यमंत्री नशा मुक्ति योजना में एट ड्रग डी एडिक्शन काम रिहेबिलिटेशन सेंटर इन हाईली ड्रग एब्यूज प्रिविलेंट डिस्ट्रिक्ट में, जैसा आपका स्टार्टिंग फ्रॉम लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, थिराप में, चांगलांग में, अंजाव में, लोहित में, नामसाई, ईस्ट सियांग एंड पापुमपारे, ये एट डिस्ट्रिक्ट में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर 2018-19 से स्टार्ट करके हम लोग बनाना सिविल वर्क वगैरह रेडी किया, मेरी रिकॉर्ड मेडिसिन वगैरह एंड ट्रेनिंग सब रेडी होने के बाद अभी 6 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर सक्सेसफुली चल रहा है, उसमें से 4 को एनजीओ चला रहा है जैसा आपका कुंचा, बरदुंसा, लठाओ एंड हाइलियांका ड्रग डी सेंटर एनजीओ लोग सेलेक्टेड एनजीओ लोग चला रहा है एंड पासीघाट और तेजू को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी चला रहा है। तो ऐसा करके आउट ऑफ 8 अभी 6 सेंटर्स फुली फंक्शनिंग, तो 7 सेंटर अभी कोविड और ये कोविड का सिचुएशन अगर इम्प्रूव होता है तो हम लॉन्गडिंग का भी फंक्शन राइज कर जाएगा एंड फॉर ईटानगर कैपिटल रीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल ड्रग डी एडिक्शन सेंटर अभी प्लान हो रहा है। ऐसा होने से आई थिंक इन 1 or 2 ईयर्स 8 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर फुली फंक्शनिंग होगा। उसके ऊपर अभी अरुणाचल प्रदेश में 4-5 एनजीओ से वो अपना तरफ से अपना रिसोर्सेज से ड्रग डी एडिक्शन एक्टिविटीज चला रहा है एंड कोई एनजीओ लोग को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग सपोर्ट है वो लोग भी चला रहा है। तो सर हम ड्रग्स एडिक्टेड वालों को किस तरह से ट्रीट करेंगे?
ये जो सब्सटेंस एब्यूज जो है, हर चीज़ को हम जितना हमारा फिगर्स दिखा रहे कि इतना अल्कोहल यूज़र्स है, इतना ऑफियम यूजर्स है, तो लेकिन सब को ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। उसमें से कहते सर्टेन परसेंट जिसका ही सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, जिसने सब्सटेंस यूज़ करके मेडिकल प्रॉब्लम हो रहा है, उसी को सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, उसी को हम लोग पहले अटेम्प्ट करते हैं, ताकि दे डू नॉट सफर फ्रॉम एनी फिजिकल, मेंटल और सोशल प्रॉब्लम्स। तो उसका फर्स्ट हम लोग तो काउंसिल करता है कि ड्रग डिएडिक्शन सेंटर में जाना है, वहाँ में हमारा ट्रेन डॉक्टर है, नर्सेस है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, काउंसिलर्स है, तो ये सब वो सेंटर्स में अवेलेबल है। वहाँ आने के साथ साथ काउंसलिंग सेशन अटेंड करता है वो लोग, और फर्स्ट 10 to 15 days डिएडिक्शन एक्टिविटीज़ हम लोग उन लोग को मेडिसिन दे के कंट्रोल करते हैं उसका, वो पहले पर्टिकुलर मेडिसिन से आइडर एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट बोलता है, उस ड्रग को आस्ते आस्ते छोड़ने के लिए कम डोज में, उसके बाद उन लोग को रिहैब रखता है, उसी सेंटर में ही बैठेगा, उसमें कोई मेडिसिन नहीं देता है हम लोग, उन लोग को योगा थेरापी हम लोग का पास है, योगा सिखाएगा और उसका मेडिटेशन सिखाते हैं, उन लोग को फिजिकल एक्टिविटी में ये एक्सरसाइज वगैरह इन्वॉल्व करते हैं, गार्डनिंग इन्वॉल्व करते हैं, कोई लोग हैंडीक्राफ्ट जानने वाले मोरा मेकिंग ऐसा करके वो लोग दिन बैठते हैं इन द मीन टाइम। और उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का कोई लोग लिवलीहुड सपोर्ट, जैसा एग्रीकल्चर का हुआ, हॉर्टिकल्चर का हुआ, जब वो लोग वापस आएगा अपना जगह में, उन्हें अपना एटलीस्ट सोर्स ऑफ इनकम के, जैसा हॉर्टिकल्चर गार्डन कैसा करना है, मशरूम कैसा ये करेगा, फिशिंग फिशरी कैसा, वो सब भी बीच बीच में उन लोग को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट को ये कर इनवाइट करता है, कि वो लोग उन लोग को ओरिएंट ये बता देते हैं क्या क्या गवर्नमेंट का प्रोविजन से वो ड्रग डिएडिक्शन सेंटर से निकलने के बाद वो लोग क्या कर सकता है, ऐसा करके उन लोग को रखते हैं हमारा सेंटर में। अभी 45 days तक अभी देखा गया, 45 days में हमारा जो भी आता है अभी ठीक करके निकल रहा है, एंड फ्यूचर को तो नहीं बोल सकते, कोई लोग को पूरा ये हो रहा छोड़ देता है, कोई लोग सारे 1-2 महीने के बाद या 5-6 महीने के बाद फिर पीने वाला शुरू। इसी से हम यही कहूँगा कि इसमें सिर्फ सब्सटेंस यूजर लोग को हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं बोलना है, हम सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जब वो वापस आएगा उसे वेलकम करना है, स्टिग्मेटाइज नहीं करना है कि आप ड्रग एडिक्ट है, हमारे सामने मत रहो, न खराब है, हमारा लड़का को स्पॉइल करो, ऐसा नहीं, वेलकम देम, एडवाइस देम, काउंसिल देम कि आप हाँ बुरा आदत छोड़िए, बहुत अच्छा किया है, अभी से नॉर्मल लाइफ जीना है, दुनिया एक ही बार लाइफ में लाइफ एक ही बार है, एक ही जिंदगी को अच्छा से जीना है बोल के सोसाइटी जब उन लोग को वेलकम करेगा, वो लोग दे फील ऑनर्ड, तब जाके वो लोग रियलाइज कर ड्रग, नहीं तो अगर उसको स्टिग्मेटाइज किया और या ये करो उसको क्रिमिनलाइज किया, पुलिस ने अरेस्ट करके अरे न तुम ड्रग लिया था, ऐसा होने से वो लोग फ्रस्ट्रेशन में रह जाते हैं, वो अपना बुरी आदत पे फिर चला जाता है, इसलिए रिकरेंस बहुत होता है। इसलिए माई अपील टू ऑल ये जो एल्डर्स लोग का कम्युनिटी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी ड्रग डिएडिक्शन सेंटर से वापस आके अच्छा हो गए सब वेलकम करना है, रादर उन लोग के लिए कुछ ये गेट टुगेदर करके उन लोग को वेलकम ये करके टेस्टिमोनी शेयर करने देना है, और जो कम्युनिटी में या सोसाइटी में कुछ और ड्रग एडिक्ट से उन लोग को भी बोलने देना है कि ये सब भी वहाँ जाके अपने आप को इलाज करा के आए। ठीक है, आपका बहुत 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 धन्यवाद हमारे चैनल APN Live 24 के साथ जुड़ने के लिए।